हेलो फ्रेंड्स, तो ये है स्प्लेंडर ओल्ड मॉडल 2004 वाला। ये देखिए, हाँ तो ये जो है ना, ये ओल्ड मॉडल है। अभी थोड़ा सा मरम्मत का काम चल रहा है, इसलिए ओपन किया है पूरा। तो यहाँ पे आपको बताया जाता है कि ओल्ड मॉडल में अगर आपको एसी टू डीसी कनेक्शन अगर करना है तो कैसे कर सकते हैं। सिंपल है, तो थोड़ा बहुत जो वायरिंग है ना इसका और हीरो होंडा जो अपनी ट्विस्टर हो गए या शाइन हो गए, यूनिकॉर्न हो गए, थोड़ा बहुत वायरिंग से ना ऑलमोस्ट सेम है। कपलर खाली थोड़े बहुत अलग है बस। तो इसमें आपको करना क्या है, अगर आपको एसी टू डीसी कनेक्शन अगर आपको करना है तो क्या कर सकते हैं, तो ये वाला सॉकेट आपको सर्च करने का है। ठीक है, ये तीन वायर वाला सॉकेट, तो ये आपको ढूंढना है। और इसमें ना आपको येलो वायर आपको दिखेगा, इसमें येलो वायर आपको दो वायर दिखेंगे। ये जो वायर है ना, ये आता है हेडलाइट के लिए है, और एक दूसरा येलो वायर आपको यहाँ पे मिलेगा, ये वाला मीटर की तरफ जाता है, ये फ्यूल गेज वाला वायर है। तो आपको जो है ना ये वाला सॉकेट आपको ढूंढना है, तीन वायर वाला सॉकेट जो स्विच की तरफ जाता है यहाँ से। ये देखिए, ये जो है ना स्विच पे जाता है, ये वाला तीन वायर। तो ये आपको जो ये तीन वायर आपको ढूंढना है, उसमें से आपको ये वाला जो येलो वायर ना, ये आपको काट देना है जो स्विच की तरफ जाता है। नीचे से जो आ रहा है ना वो उसको ऐसे रखो, ये जो नीचे से जो वायर जो आ रहा है ना, ये एक्चुअली मैग्नेट से आ रहा है, तो उसको आपको कुछ नहीं करना है, उसको छोड़ दो। ऊपर वाला वायर ना आप काट सकते हैं, या तो फिर ये सॉकेट में से हम निकाल सकते हैं। तो मैंने डायरेक्ट यहीं से मैंने कट कर लिया। ठीक है, ये जो है स्विच की तरफ जा रहा है, तो यहाँ से आपको कट करना है, और इसमें आपको एक वायर एक्सटेंड करना है, और फिर आपको ये ब्लैक वाले वायर के साथ ज्वाइन करना है। तो ये जो बाइक है ना स्प्लेंडर में, हीरो और मेरे ख्याल से होंडा में, शाइन में भी ऐसा ही होता है, जो ब्लैक कलर वाला जो वायर होता है ना उसके ना 12 वोल्ट का पॉजिटिव आता है। तो आपको जो है ना यहाँ से ये वायर आपको एक जॉइन करना है, और ये ब्लैक वाला वायर आपको कहीं पे भी अगर मिले ना उसके अंदर आपको जॉइन कर देना। तो यहाँ पे जो 12 वोल्ट का सप्लाई हो जाए, तब ये 12 वोल्ट का लाइन जो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो मैंने अभी चाबी ऑन किया हुआ है, और यहाँ पे एक टेस्ट लैंप मैंने ये बल्ब रखा हुआ है, तो अभी जो है बिना इंजन चालू किए बल्ब स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी इसको जो है मैं ऑन करता हूँ, तो ये देखिए ये ऑन हो गया। लो बीम हाई बीम, लो बीम हाई बीम, लो बीम हाई बीम, लो बीम हाई बीम। तो ये जो अभी डायरेक्ट ये अभी डीसी कनेक्शन हो गया। तो बस ये सिंपल सा चीज़ है, आपको खाली जो है ना ये वाला येलो वायर जो है ना आपको जो स्विच की तरफ जा रहा है वो कट कर दो, और उसमें से एक एक्स्ट्रा वायर आपको जो है यहाँ पे ब्लैक पे आपको जॉइंट करना है। तो ये आपका डीसी कनेक्शन हो गया। और इसके लिए जो है आपका दो चीज़ अच्छा होना चाहिए, एक है बैटरी कंडीशन, आपकी जो मोटरसाइकिल में जो बैटरी हो के ना वो अच्छा कंडीशन में होना चाहिए, तो आपकी जो दूसरी बाकी सब लाइट्स है ना वो बराबर चलेगी। और दूसरा इसका मैग्नेट, जैसे कि अभी ये जो बाइक है इसका काफ़ी पुराना हो गया, तो पता नहीं अब इसका मैग्नेट कितना पावरफुल होगा, तो उतना जो है ना एक्चुअली उसको चार्जिंग करना चाहिए, बैटरी को चार्ज भी करना चाहिए। और ताकि क्या है ना कि अगर आपकी जो आपके दूसरे इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो आप इसके ऊपर लगाएंगे, एलईडी बल्ब या फॉगलाइट जो भी लगाएंगे वो काम करना चाहिए। तो ये दो चीज़ आपको जो अच्छे से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो बस ये डीसी कनेक्शन का ये सिंपल सा चीज़ है।